रिश्ती ने नोटिस किया है कि कोहू खुश नहीं है, लेकिन परिवार के खुशहाल होने का ढोंग कर रही है। रिश्ती इस प्रकार कोहू से भिड़ जाती है और वह में रिश्ती पर टूट पड़ती है। कोहू रिश्ती को दोषी ठहराती है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। रिश्ती चौंक जाती है क्योंकि कोहू उसे बताती है कि ये सब अबीर के लिए उसके प्यार के कारण हो रहा है। रिश्ती को पता चलता है कि कुणाल और मीनाक्षी उससे नफरत करते हैं और इससे कोहू के जीवन में परेशानी आ गई है। रिश्ती इस प्रकार अबीर को बुलाती है और उसके साथ अपने प्यार को समाप्त कर देती है क्योंकि वे कोहू खुर्शी को किसी और चीज में चुनती है। कुश्ती के बारे में जानकर रिश्ती हैरान रह जाती है कि कुणाल ने उसे कैसे मना किया। कोहू रिश्ती को दोषी ठहराती है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। रिश्ती सभी बिखर जाती है क्योंकि वे सुनती है कि कुणाल ने कोहू के साथ कैसा व्यवहार किया था। रिश्ती अबीर से कहती है कि वे उसके साथ कोई प्रेम संबंध नहीं रखना चाहती और अपनी बहन कोहू को चुनना चाहती है। जबकि अबीर रिश्ती से इसके बारे में कारण बताने के लिए कहता है। अबीर ये जानकर चौंक जाता है कि कुणाल कोहू के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। अबीर ने रिश्ती को आश्वासन दिया कि वे मिलकर इसे संभाल लेंगे और इसकी देखभाल करेंगे। अबीर और रिश्ती अब कुणाल कोहू के लिए हनीमून ट्रिप की योजना बना रहे हैं ताकि वे करीब आ सकें और अपने मतभेदों को सुलझा सकें। अबीर और रिश्ती का प्यार अच्छा चल रहा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, जबकि यहाँ कोहू पर रिश्ती का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कोहू रिश्ती को दोषी ठहराती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसे बर्बाद हो रही है, जबकि एक बड़ा धमाका आगे की प्रतीक्षा कर रहा है क्योंकि यहाँ अबीर ने परिवार के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करने की योजना बनाई थी। अबीर ने परिवार के प्रेम को स्वीकार करने की योजना बनाई और अबीर को रिश्ती के लिए ये आश्चर्य है और माहेश्वरी और राजवंश परिवार इसे स्वीकार करते हैं। अबीर अपने और रिश्ती के प्यार में कोई परेशानी नहीं चाहता है और किसी भी कीमत पर उसका बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है। अबीर हर किसी को अपने और रिश्ती के प्यार को स्वीकार करने के लिए दृढ़ है। अबीर किसी भी तरह से अपने प्यार को प्रभावित करने के लिए तैयार नहीं है। अबीर को अपने जीवन में पहली बार ये प्यार और खुशी मिली थी और जानता है कि वे इसे खोना नहीं चाहता है। अबीर जन्मस्थल के लिए एक योजना बनाता है जहां वह रिश्ती को समझाता है कि वह परिवार को अपने प्यार के बारे में बताए। अबीर और रिश्ती जन्माष्टमी पर प्रेम की मूर्ति बनाएंगे क्योंकि ये कृष्ण के जन्म का भव्य अवसर है जो स्वयं प्रेम की मूर्ति है। अबीर और रिश्ती उसी दिन भव्य स्वीकारोक्ति की योजना बनाएंगे और राजवंश और माहेश्वरी परिवार को इसकी जानकारी देंगे। अबीर और रिश्ती का प्यार अच्छा चल रहा है और अबीर इसे परिवार के साथ लाना चाहते हैं। इधर कुणाल और कोहू की बुरी शादी का रिश्ता अबीर और रिश्ती के बीच आता है। अबीर रिश्ती से वादा करता है कि वे अपने भाई को अच्छी तरह से जानता है और उसे समझेगा। अबीर कुणाल से कहता है कि वे कोहू के साथ क्या कर रहा है। यहाँ कुणाल कोहू को पत्नी के रूप में स्वीकार करने और एक नई शुरुआत करने के लिए सहमत है। कुणाल अबीर को बताता है कि लेकिन उसकी एक शर्त है कि अबीर को रिश्ती के साथ सभी रिश्ते तोड़ देने थे और उसे अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना था। कोहू दुविधा में है क्योंकि कुणाल ने उसे माहेश्वरी परिवार से सच बताने और अपने जीवन में वापस नहीं आने के लिए कहा था। कोहू अंतम रिश्ती पर टूट पड़ता है क्योंकि रिश्ती को संकेत मिल गया है कि कोहू कुछ छिपा रही है। कोहू इस प्रकार रिश्ती को सब कुछ बताती है और उसे दोषी ठहराती है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है और वे उसे एक बुरा शगुन देती है। कोहू ने रिश्ती को अबीर के लिए नाटक के रूप में प्यार किया और वे अबीर का उपयोग कर रही है और अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। रिश्ती कोहू को यह बताने की कोशिश करती है कि अबीर के लिए उसका प्यार सच्चा है और वे उससे प्यार करती है, जबकि कोहू ने कुणाल के लिए जो किया है उसके लिए रिश्ती को गुस्सा और नफरत है।